वेल, तापसी पन्नू की शाबाश मिथु मूवी, जो मिथाली राज जो लेजेंडरी क्रिकेट प्लेयर है जिन्होंने हमारे कंट्री को काफ़ी लंबे समय तक रिप्रेजेंट किया एंड शी वॉज ऑल्सो द एक्स कैप्टन बिफोर शी गॉट रिटायर्ड, उनके बायोपिक में हमें नज़र आई थी तापसी पन्नू, लेकिन ये मूवी काफ़ी बुरी तरीके से पिटती हुई बॉक्स ऑफिस पे नज़र आई। उसके बाद अब मिराज की मिराज का रीमेक, मिराज जो एक बहुत ही पॉपुलर मूवी रह चुकी है, उसका रीमेक जो है अनुराग कश्यप ने बनाया है, जिसमें हमें तापसी पन्नू इन लीड दिखाई दे रही है, जहाँ पे मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि किस तरीके से तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप काफ़ी लंबे समय से जहाँ जहाँ अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, भले वो किसी रेडियो स्टेशन के लिए हो, पोर्टल के लिए हो, चैनल के लिए हो, कहीं पे भी हो, मीडिया के सामने एक ही चीज़ कह रहे हैं कि प्लीज़ हमारी मूवी भी बॉयकॉट करो, हमें भी लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन के लीग में आना है, हमारी मूवी को भी बॉयकॉट कर ही देना चाहिए, तभी हमें इम्पोर्टेंस फील होगा, तब तक हमें इम्पोर्टेंस फील नहीं हो रहा है, इस तरीके से उन्होंने कहा। अब उनकी डिमांड पूरी करते हुए नज़र आ रहे हैं नेटिजन्स, और नेटिजन्स आखिर क्यों कर रहे हैं बॉयकॉट दोबारा को ट्रेंड, क्या कुछ हो रहा, चलिए आपको बताते हैं। अब देख रहे हैं फीफा फूज, में हूँ आपकी होस्ट दोस्त वेदांगी कर्णिक, बता दें आपको बॉयकॉट बॉलीवुड और बॉयकॉट दोबारा ये दोनों ही ट्रेंड कर रहा है, जहाँ पे आपको बता दें कि तापसी पन्नू ने कहा है कि मूवी बॉयकॉट करे तो बस अब मूवी बॉयकॉट करके ही रहेंगे, तो कोई कह रहा है मीनवाइल ऑडियंसेस टू तापसी पन्नू, यानी जो उनकी मूवी थी थप्पड़, उसका जो थप्पड़ मारने वाला सीन है वो यहाँ पे इस फैन ने या नेटिजन, माफ कीजिए, नेटिजन ने डाल दिया कि ऑडियंस की ओर से तापसी पन्नू को मिला है अभी थप्पड़। तो कोई कह रहा है जब भी अनुराग कश्यप अपना मुंह खोलता है पब्लिक बी लाइक अरे ए मारो इसको, तो ये वाला जो मीम है जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी नज़र आ रहे हैं, वो वाला मीम यहाँ पे डाल दिया है। तो कोई कहता है दे आर फेकिंग टू बी सो कूल विद बॉयकॉट बॉलीवुड, लेकिन अंदर ही अंदर हज़ार मौत मर चुके होंगे, उन्हें काफ़ी लेफ्ट आउट फील हो रहा था और वो ट्रेंड करवाना चाहते थे ना, ठीक है ये लोग कर लिया ट्रेंड बॉयकॉट दोबारा, अब ये लोग हिंदू हेटर्स है, अनुराग कश्यप तो नेक्स्ट लेवल है, हिपोक्रेट तापसी पन्नू को तो मतलब उसका क्या ही इंट्रोडक्शन दे, बॉयकॉट करके ही रहेंगे। तो कोई कह रहा है अंदर से 100 मौत मर चुके होंगे, कितना नाटक करते हैं, बॉयकॉट करेंगे ऐसा बोल रहे हैं तो मज़ा आएगा, नहीं नहीं नहीं, अंदर ही अंदर रो रहे हैं कि प्लीज़ बॉयकॉट मत करो, प्लीज़ हमारी मूवी देखो। कोई कह रहा है लगता है इनका प्रमोशन ढंग से हुआ नहीं है, भीख मांग रहे हैं बॉयकॉट करने की, इसी बहाने कोई इन किसी को पता तो चलेगा कि इनकी कोई मूवी भी है। तो कोई कह रहा है तापसी पन्नू अनुराग कश्यप की मूवी कल रिलीज हो रही है, बॉयकॉट करके ही रहेंगे, अपनी ताकत दिखाएंगे। कोई बोल रहा है कि इट इज़ वेरी वेरी हिलेरियस, जहाँ पे अर्जुन कपूर बॉयकॉट मत करो कह रहा है और लोगों को सबक सिखाने की बात कर रहा है, तो वही लाल सिंह चड्ढा के लिए करीना और आमिर हाथ जोड़ रहे हैं कि बॉयकॉट मत करो, तो ये दोगलापन देखो तापसी और अनुराग का, हाथ जोड़ के बोल रहे हैं बॉयकॉट करो, ये बॉलीवुड का कुछ नहीं हो सकता। तो कोई कह रहा है ये बॉलीवुड बिक चुकी है, इनकी हर एक मूवी फ्लॉप होगी, लाइफ में इनको कभी हिट नहीं होने देंगे। कोई कह रहा है कि अनुराग कश्यप चाहता क्या है, इसको सब समझ आ रहा है कि कोई इसकी मूवी देखेंगे नहीं, बॉयकॉट के नाम से थोड़ा फेमस तो हो जाएगा। कोई कह रहा है देखो इनको ना ज़्यादा कॉन्फिडेंस इसीलिए है क्योंकि इन्होंने पहले ही मूवी राइट्स OTT को बेच दिए हैं, तो उन्हें पता है कोई थिएटर में मूवी नहीं देखेगा फिर भी हिट जाएगा क्योंकि सारे लॉसेस OTT से निकल आएंगे, इनकी मूवीज़ तो OTT पे भी बॉयकॉट करो ताकि इनकी अगली कोई मूवी OTT प्लेटफॉर्म खरीदे ही ना। तो किसी का कहना है कितना भी कर लो भाई आपकी मूवी है ही नहीं, ये तो अभी बॉयकॉट का नाम सामने आया तब पता चला, वरना पता ही नहीं था कि तुम्हारी मूवी भी आ रही है। सो इस तरीके से लोग जो है कहीं ना कहीं अपनी तरफ से बॉयकॉट कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं बोथ अनुराग कश्यप को भी और तापसी पन्नू को भी, और उनकी जो डिमांड थी कि उनकी मूवीज़ बॉयकॉट हो, अब ये मूवी जो बॉयकॉट करने की बातें हो रही है इसे सच में कन्वर्ट करने के लिए नेटिजन्स पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। इसके ऊपर आपका क्या है टेक, लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल सी यू सून।